में जिंदगी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में कोई जिंदा जीव सेफ नहीं है, पाकिस्तान एक आतंक की फैक्ट्री है। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शो। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नायला कादरी बलोची से। तो मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी तरफ से। थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। और इंट्रोडक्शन मेरा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान मेरा मुल्क है और बलोच मेरा ख़ानदान है। हम बलोच नेशन को एक फैमिली समझते हैं। हम 60 मिलियन लोग हैं दुनिया में बिखरे हुए हैं। हमारा जो मुल्क है उसकी 700 साल की हिस्ट्री रही, यानी 700 ईयर्स वो एक कंट्री रहा, जिसको 1948 में पाकिस्तान ने इन्वेजन करके, अटैक करके उस पर कब्ज़ा किया, जो यूनाइटेड नेशंस के जो लॉ है, मैंडेट है उसकी, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसकी वॉयलेशन की पाकिस्तान ने, जिसे यूनाइटेड नेशंस को रोकना चाहिए था मगर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। और जो दुनिया की फोर्सेस थी उन्होंने भी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और हम अकेले लड़ते रहे। 1948 से आज तक हम लोग लड़ रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए, अपना मुल्क वापस लेने के लिए। और पिछले 50 साल से मैं इस मूवमेंट का हिस्सा हूँ। 8 साल की उम्र से, अपने स्कूल डेज से, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, जो बलोच यूथ जिसमें शामिल होती है और सीखती है। हमारा अपना सिलेबस है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑक्यूपायर है, पाकिस्तान जिन्होंने कब्ज़ा किया है, वो हमसे हमारी हिस्ट्री छीनना चाहते हैं। वो अपने नाम हमें पढ़ाते हैं, वो अपनी झूठी हिस्ट्री, उनकी अपनी हिस्ट्री तो कुछ है नहीं, वो हम पे इम्पोज करते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे जो बड़े हैं, जो हमसे सीनियर थे, उन्होंने अपने सिलेबस बनाए जिसमें हमें हमारी हिस्ट्री पढ़ाई, जिसमें हमें हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, जो बलोच शनाख्त है और जो बलोच हिस्ट्री है वो बताई, और जो बलोच कोड ऑफ ऑनर है, सब इंसान एक ही जैसे हैं और इस धरती पे पूरे इंसान ही एक फैमिली हैं। बलोच क्यों अपनी एक आइडेंटिटी ज़िंदा रखता है, वो हमारा कोड ऑफ ऑनर है, वो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो बलोच नहीं करता, कुछ ऐसे काम हैं जो बलोच अपनी जान देकर भी करता है, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो हम उस 8 साल की एज से मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनी और आज तक एक ही काम कर रही हूँ कि बलोच का मुल्क वापस, बलोच की जो आइडेंटिटी है, जो इंसानों की ये कम्युनिटी है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं और अपनी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो जैसे बाग है, उस बाग में, किसी भी गार्डन में फूल हैं, हर तरह के फूल हैं, पर सारे फूल खूबसूरत हैं। इंसानों का जो ये ख़ानदान है, जो ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी है, उसमें भी हम सब फूल हैं डिफरेंट, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सारे फूलों का एक रंग होना चाहिए और वो कोशिश ये करते हैं कि एक धर्म का झंडा उठाकर बाकी सबको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो वॉयलेंस और जो कोअर्जन और जो जुल्म और जो इंसान दुश्मनी के जो तरीके अख्तियार करते हैं, उससे दुनिया में आपने देखा है कि कितनी जो अशांति है, कितना दुख है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लोगों के तरीके से जीने नहीं दिया जाता। तो बलोच पीसफुल है और बलोच प्लूरलिस्ट है। हम जो भी तरीके हैं लोगों के, यानी जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी सबको, सब खूबसूरत हैं, दुनिया के सारे धर्म खूबसूरत हैं,
दुनिया के सारी जो जातियां हैं, जो लोग हैं, जो जो कल्चर्स हैं, वो सब के सब सारी सिविलाइजेशंस खूबसूरत हैं, सबको जीने का हक है। तो ऐसी एक दुनिया बनाने की ज़रूरत है। तो बलोच का जो आंदोलन है या जो बलोच की क्रांति है, वो बलूचिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में पीस के लिए, पूरी दुनिया में मिलकर जीने के लिए, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करो। मैम, जैसे आप चाहते हैं कि पीसफुली बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा पीसफुली होने देगा? देखिए, पाकिस्तान तो ऐसे जैसे गुंडा होता है जी, अब इस पूरी जो प्रवृत्ति उनकी हमेशा ऐसी ही रही है। हाँ, गुंडागर्दी जी, और किराए की एक फौज है, तो पीसफुली तो वो बात नहीं मानने वाले। बलोच जंग लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग बलोच लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की सेना से बलोच सेना ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्किलफुल है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मुल्क से लड़ने के लिए। और एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, ईरान है, और इनकी बैक पे चीन खड़ा है जी। तो जब आप इतने ताकतवर मुल्कों के साथ जंग लड़के अपना मुल्क लेने की, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को ज़िंदा रखने के लिए आप स्ट्रगल करते हो, तो आपको भी स्टेट्स की ज़रूरत है, आपको भी मुल्कों की ज़रूरत है जो आपके साथ जुड़े, और यूनाइटेड नेशंस को एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है इसमें, कि हमारे साथ जो ज़्यादती पाकिस्तान ने की है उसको अनडू करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का रोल है उसे प्ले करना चाहिए। इस सब के लिए लॉबी करने की ज़रूरत है, इस सब के लिए सबको कन्विंस करने की ज़रूरत है, जिसको एडवोकेसी की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, और वो सारा काम बलोच कर रहे हैं, दुनिया भर में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलोच के साथ जिस तरह से जुड़ने की ज़रूरत है लोगों को, स्टेट्स लेवल पर, जनता के लेवल पर, वो अभी तक उस तरह से सामने नहीं आए। आपको मैम हिंदुस्तान से अभी तक ऐसा क्या सपोर्ट मिला है जिससे आपको लगता है कि हिंदुस्तान आपको मतलब आज़ादी दिलाने में एक मेन रोल प्ले कर सकता है? हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मेन रोल प्ले करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों मैम? इसलिए कि हिंदुस्तान अगर पीसफुली ज़िंदा रहना चाहता है, तो ये जो आतंक की फैक्ट्री है जिसको पाकिस्तान कहते हैं जी, जब तक ये आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी, हिंदुस्तान आराम से नहीं जी सकेगा। वो गज़वे हिंद की तैयारियां करें और आप यहाँ दिवाली मनाएं, कब तक जी। आपको ये डिसीजन तो एक दिन लेना ही पड़ेगा। आप जितना लेट लेंगे उतना नुकसान आप ही को ज़्यादा है। हम तो जी रहे हैं आग में, हम तो जल रहे हैं, तो हम जलते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान और बलूचिस्तान नेचुरल अलाय हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम दोनों पर जो आतंक हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है जी। और बलूचिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं, और अगर बचा तो इतनी कमज़ोर पोजीशन में बचेगा कि उसको अभी भी भीख पर ही जी रहा है पाकिस्तान, लेकिन फिर उसको भीख लेने के लिए कोई वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो हिंदुस्तान के लोगों को परेशान कर सकें। फिर कोई ताज पे जैसे अटैक हुआ, या इस और तरह के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होते हैं, या हिंदुस्तान के अंदर जो वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, वो फिर इस काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के साथ जुड़ेगा। हिंदुस्तान की जो जनता है वो बलोच के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें हमने एक रोल प्ले किया है, यानी हमने कई बार हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान के लोगों को बलूचिस्तान की कथा सुनाई है, और उन्हें बताया है कि हम पाकिस्तान से और वो दूसरे जो जिहादी फिक्र के सोच के लोग हैं उनसे बलोच कैसे डिफरेंट है, और हमारा जो ये डिफरेंस है बाकी लोगों से, वो बताने में सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की किसी ने, तो वो हमारी नानी ने की। आप उन्हें माता कहते हैं, हिंगलाज माता, बलोच नानी कहते हैं। तो नानी का जो मंदिर है, नानी आपकी जो शक्तिपीठ है उनमें से, जो बड़े शक्तिपीठ है उनमें से एक है, और वो हमारी नानी है। तो
बलोच ने, हम नहीं कहते कि हमने नानी मंदिर की प्रोटेक्शन की, हम तो ये कहते हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। तो हमारा जो प्यार है उनसे, वो आपको पाकिस्तानी मेंटालिटी में नहीं मिलेगा, वो आपको गजवे करने वाली मेंटालिटी में नहीं मिलेगा। लेकिन जो बलोच हिंदू है, बलोचों में जो हिंदू बलोच हैं, वो खुद आपको बताएंगे कि जो दूसरे बलोच हैं वो कैसे उनसे प्यार करते हैं और कैसे हम हजारों साल से इकट्ठे रह रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर बहुत सारे जो टारगेटेड इलाके थे, बंगाल और पंजाब जैसे, जहां बलवे हो रहे थे, जहां धर्म के नाम पे लोग मार रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, बलूचिस्तान में कभी बलवे नहीं हुए, कभी दंगे नहीं हुए, कभी धर्म के नाम पर किसी हिंदू बलोच ने किसी मुसलमान बलोच को या किसी मुसलमान बलोच ने किसी हिंदू बलोच को नुकसान नहीं दिया। हमारे पास ये सोचने की भी कोई हिस्ट्री नहीं है कि किसी ने ऐसा सोचा भी हो। तो जिस प्यार से हम रहते हैं, जिस प्लूरलिस्ट अप्रोच से हम रहते हैं, वो हमारी हजारों साल की एक हिस्ट्री है जो हमारे डीएनए में है। आपने देखा होगा कि अयोध्या मंदिर पे जो रॉयट्स हुए जी, और उसमें पाकिस्तान में बहुत जगहों पर हिंदू कम्युनिटीज पे हमले किए गए जी, बलूचिस्तान में जो हिंदू बलोच रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन बलोचों ने खुद की, किसी को उन तक आने नहीं दिया। तो बलोच जितना स्ट्रांग रहेगा, बलूचिस्तान के अंदर हिंदू और बलूचिस्तान के अंदर हिंदू जो मंदिर हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जो गुरुद्वारे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो इस चीज़ को अगर बलोच कमज़ोर हो जाए, हम लड़ रहे हैं तीन मुल्कों से, तीन न्यूक्लियर कंट्रीज से, हम कब तक अकेले लड़ेंगे? अगर बलोच कमज़ोर हो गया तो फिर आपको जो सुख चैन से साथ मिलकर जीने वाली जो सिविलाइजेशन है इस वक्त, वो आखिरी सिविलाइजेशन बलोच के पास, और वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए भी ये जो भारत के अंदर आप जैसे लोग हैं और हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और भारत के कोने कोने से जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो समझते हैं कि भारत की सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को अगर ज़िंदा रखना है तो जो आज बलोच की लड़ाई है उसका जीतना बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कि आप बलूचिस्तान से हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर है, हम जो इंडियंस हैं उनके मन में ये बहुत चीज़ें आती हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं क्या वो सेफ हैं? पाकिस्तान में ज़िंदगी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में कोई ज़िंदा जीव सेफ नहीं है। पाकिस्तान एक आतंक की फैक्ट्री है जिसको बनाया ही हेट पर गया है, नफ़रत। नफ़रत की बुनियाद पे जब आप एक मुल्क बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हर काम नफ़रत की बेस पे करते हैं। तो वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई सेफ नहीं है, लेकिन स्पेशली हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। हिंदू की जो बेटियां हैं उनको फोर्स कन्वर्जन्स की जाती हैं मुस्लिम धर्म में, बच्चियां स्कूल जा रही हैं जी, और स्कूल से आप 9 साल की 10 साल की बच्ची को रास्ते से उठा कर ले जाओ, उसके बाद 6 महीने तक वो नहीं मिलती क्योंकि ये स्टेट सपोर्ट कर रही है सारे काम को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की फौज इस सारे काम को सपोर्ट कर रही है कि हिंदू की बच्ची को उठा कर ले जाओ, सिख की बच्ची को उठा कर ले जाओ, और 6 महीने तक उस पर टॉर्चर करो, डराओ। 6 महीने के बाद या तो बच्ची को भी दिखेगी नहीं, और अगर नज़र आई तो कोर्ट में अगर उसे लाया गया तो वो बच्ची स्टेटमेंट देगी कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से, तो वो 6 महीने तक कहाँ थी? उसका जो एज सर्टिफिकेट है वो भी झूठे होते हैं, वो बच्ची अभी प्यूबर्टी में भी नहीं आई हुई होती। और उसको जिस तरह से धमकाया जाता है, इस वजह से बहुत सी जो हिंदू फैमिलीज़ हैं, सिख फैमिलीज़ हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए हैं। और लेकिन ये तो किसी मसले का हल नहीं है कि आप फोर्स कन्वर्जन्स जो है वो किसी धर्म, कोई धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता। कोई अगर ये समझता है कि ये मुस्लिम धर्म इसकी इजाज़त देता है, बिल्कुल नहीं देता।
अगर कोई ये समझता है कि कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बना के आप वहाँ नमाज पढ़ोगे, वो नमाज तो कबूल ही नहीं होती, कब्जे की जमीन पे तो नमाज नहीं होती। तो ये कोई धर्म की खिदमत नहीं हो रही, ये पावर और कंट्रोल की जंग है जिसमें धर्म का नाम मिसयूज किया जाता है। तो ये जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब वहाँ पर जो है वो सेफ नहीं है। किसी का घर जलाया जा सकता है, किसी की बेटी उठाई जा सकती है, किसी के बेटे को, अभी फेसबुक पे एक वीडियो चल रही है जिसको देखकर मैं सो नहीं सकी, इस कदर मैं तकलीफ़ में थी कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, हिंदू हैं, उन्हें जमा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये कौन सा धर्म है? मतलब औरंगजेब ने जो किया गुरु तेग बहादुर जी के साथ जी, या गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों के साथ, वो प्रैक्टिस आज भी लोग कर रहे हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है। इसको रोकने के लिए जब जब किसी मुल्क की स्टेट, किसी मुल्क की गवर्नमेंट ऐसे कामों को नहीं रोकेगी तो उसको कब तक भारत के लोग देखते रहेंगे? जी, बलोच के साथ वो कर रहे हैं, हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे 60,000 लोग उठा कर ले गए जिनका कुछ पता नहीं, ना लॉयर है, ना जस्टिस है, ना कुछ पता है। बच्चे हैं, उनके माएँ हैं, बाप हैं, उनके इंतज़ार में मर गए हैं लोग। प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेली, बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे प्यारे कहाँ हैं, हमारे घरों को आग लगाते हैं, हमारे बाग जलाते हैं, कुरान मजीद को जलाते हैं। जब बलोच का घर जलाते हैं तो बलोच का मंदिर भी जलता है, बलोच की मस्जिद भी जलती है। ये सब हमारे साथ कर रहे हैं, अगर भारत देख रहा है, ठीक है, हम आपके नेबर्स हैं, आप देख रहे हो, पर जब हिंदू के साथ हो रहा है, सिख के साथ हो रहा है, आप तो वो भी देख रहे हो। तो आपको लगता है कि भारत आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, भारत अगर सपोर्ट कर रहा होता तो पाकिस्तान 74 साल बलूचिस्तान पे राज ना करता। भारत ने आंखें बंद की हुई, भारत अपने जो दुनिया में तो एक ही मुल्क है जो जो, जो जहां हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन ये हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क अपने बगल में होने वाले हिंदुओं को, अपने बगल में होने वाले सिखों के साथ जो वायलेंस हो रहा है, जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, उस पर आवाज़ नहीं उठाते। एक लॉ बना के कि अगर आपके नेबर कंट्रीज़ में हिंदू या सिख तकलीफ़ में हैं, वो भारत आ जाएं, हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे, क्या ये मसले का हल है? वो अपनी धरती पे क्यों इज्जत से नहीं जी सकते? आपको उनको सपोर्ट करना है तो आप इस चीज़ पे सपोर्ट करें कि हिंदू कहीं भी दुनिया में रहता है, उसको हिंदू होकर जीने का हक है, कोई उसको फोर्स कन्वर्ट ना करे। ये बात आप क्यों नहीं करते? इसके लिए कितनी करेज की ज़रूरत है? बात आप हिंदुता की करते, कहाँ हिंदुता? सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए? कब तक? क्या वो बच्चे जिस तकलीफ में इलेक्ट्रिक करंट उनको दिया जा रहा है, क्या वो बच्चियां जिन्हें उठा के ले जाया जा रहा है, उनके लिए हम रोते हैं, आपको कैसे आराम आता है? ये कौन सी हिंदुविता है? ये कौन सी इंसानियत है? हम बलोचों ने तो अपने हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया है, हमने अपने मंदिरों को प्रोटेक्ट किया है, हम तो किसी धर्म का क्लेम नहीं करते, हम बलोच होने का क्लेम करते हैं। हमारी सिविलाइजेशन बलोच है, कोई भी धर्म हो, पर हमने तो प्रूफ किया है, कमजोर होते हुए हम पावर से बाहर हैं, हमारे मुल्क पे कब्जा है, हम फिर भी अपने जो कोड ऑफ ऑनर है, हमारा जो बलोच सभ्यता है, हमने तो प्रूफ किया है, हम तो अपने बलोच को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने हिंदू को प्रोटेक्ट करते हैं, हम जो बलोच सिख है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो बलोच क्रिश्चियन है हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। पर भारत की सरकार क्या कर रही है? आप बलोच को के लिए मत लड़ो, आप अपने हिंदू के लिए तो लड़ो। और जो हिंदू वहां से आए हैं, हमने जाकर उनकी हालत देखी है, वो सिंधु देश से या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से यहाँ आए हैं, वो यहाँ रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं, वो यहाँ भारत माता के बेटे बेटियों की तरह नहीं रह रहे, वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लकीर
भारत के सीने पर गोरा काट कर गया, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उन्हें महाजर समझते हैं, आप उन्हें अपना भाई और अपनी बहनें नहीं समझते। वो यमुना के किनारे कैंपों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, तो उनको एक अच्छी जिंदगी तो दो और उन्हें तैयार करो कि जाओ जाकर अपना देश लो। ये सिंधु तक अखंड भारत है, अटक तक अखंड भारत है, आप अपना अखंड भारत ही भूल गए। अगर आपको इंटरनेशनल लॉज को बहुत फॉलो करना है, तब भी आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लॉज को इस्तेमाल कर सकते हो। इतना तो करो।